अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम मैक कंपनी के राशन ऑफिस के सामने ही खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राशन ऑफिसर गांगुड़े सर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे सब आप देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक यहाँ पे जमा है, और इन लोगों की शिकायत है कि हमारे आरसी नंबर में छेड़छाड़ हुई है, और भोलेनाथ नगर से भी कई लोग आए हैं, उनका भी यही कहना है कि हमसे 10-10 हज़ार रुपया ले के हमारा राशन कार्ड बनाया गया, लेकिन अब तक हमको राशन कार्ड पे राशन नहीं मिला। यही हमारे साथ राशन कार्ड के ऑफिसर गांगुले सर है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से राशन कार्ड दिखाया जा रहा है, कितने राशन कार्ड पे तो आरसी नंबर नहीं है, इस पर आप क्या कहोगे? आरसी नंबर गलत है, वो जांच करेंगे अपन। हाँ, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे अपन, जो भी रहेगा उसको आना चाहिए। सिस्टम में एजेंट लोग कमीशन खा रहे, 10-10 हज़ार दे के लोगों का राशन कार्ड बना दो, वो भी ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, और उन लोगों का राशन भी नहीं मिला। राशन कार्ड में ना उनके आरसी नंबर दिया जा रहा है, तो आपके डिपार्टमेंट में जो ये ऐसी हरकत कर रहे हैं उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? पहले तो जिसकी ज़रूरत है ऑनलाइन करने का, वो मेरे पास सीधा आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपन उनका पूरा ऑनलाइन करके देंगे। और ऐसा पैसा वगैरह कोई लेके कार्ड वालों को फंसाता रहेगा, उसका आप नाम बता दीजिए, आप मुंद्रा पुलिस स्टेशन में हम उसका कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे। नहीं, अभी ये शाह भड़ा के पास राशन भेज दिया है, 8 रुपये 12 रुपये वाला, वो कल से मिल जाएगा सर। ये इनके राशन कार्ड पे आरसी नंबर पे जो छेड़छाड़ हुई है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी वो चेक करके किसने किया है, वो जांच करके उसका राशन मिला करके, वो भी जांच करके उसके बाद हम उस पर कल पे एक्शन लेंगे, या जिसने भी किया उसको एक्शन लेंगे। ये सिर्फ एक, ये दो ही मसले नहीं है सर, अम्बेडकर नगर है, भोलेनाथ नगर है, और भी कई इतने मुमरा में कई जगह पे राशन दुकानें हैं। अगर उन लोगों ने भी कहीं घपला किया है या कोई ऐसा हरकत कर रहे, तो उस पर भी आप सब पे कार्रवाई करोगे? सब पे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सब पता चलता है, क्या मिला क्या नहीं, सब ऑनलाइन सब डिटेल्स मिलता है, आप भी देख सकते हैं अपना राशन मिला क्या नहीं। जो भी कार्ड वाला आपके पास आएगा, वो अपन मोबाइल में 12 डिजिट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, दुकान वालों ने क्या दिया, अपना क्या लेने का था, वो क्लियर हो जाता है। उसमें फंसाया गया, कम दिया रहेगा, तो हम लोग गए उसके एक्शन ले लेंगे। आरसी नंबर ही नहीं है, तो अब क्लियर लोग जो गरीब लोग हैं, इन लोगों को तो पता नहीं आरसी नंबर है या नहीं है, जो पढ़े लिखे उन्हीं को पता लगा है कि आरसी नंबर में घपला किए है, छेड़छाड़ किए, वो लोग तो आज आवाज़ उठाए हैं। जो गरीब लोग हैं उनको तो अब तक नहीं पता है, तो आप क्या इस पे पूरी कार्रवाई करोगे? आप खुद जाके चेक करोगे हर राशन दुकान पे, या ये आप जो पब्लिक है यही करके दिखाएंगे? ऑनलाइन तो हमें पूरा पता चलता है, और जिसका मिला नहीं वो सामने आ जाता है, फिर हम एक्शन ले लेते हैं। तो इन पे कब तक कार्रवाई करोगे आप? तुरंत जैसा आज मिला तो हम लगे एक्शन लेना चालू कर देते, तुरंत 2-3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरीके से भोलेनाथ भूरा नाम की जो दुकान है, उसने मैं जिसकी दुकान है वो मालिक ने बोला कि हमने एपीआई का एपीएल का पैसा भर चुके थे कंपनी के, वो बोले कि जून का तुम पहला पैसा भरो, उसके बाद ही तुमको है ना राशन मिलेगा, तो उनका ये कहना था, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, वो दुकान पे दूसरे दुकान से उसको लोन करके माल देने की व्यवस्था की है। मुमरा पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द वहां कंप्लेंट दिया जाए, जो भी एजेंट आपसे पैसा लेता है राशन कार्ड बनाने के लिए, उनका नाम, एजेंट का नाम और राशन दुकान वाले का नाम लेके मुमरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो भी आरसी नंबर में अगर छेड़छाड़ करे या आरसी नंबर चेंज करे, तो उसके भी ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यही हमारे साथ अम्बेडकर नगर के लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अभी राशन ऑफिसर ने आपसे क्या बात की, आरसी नंबर पे जो छेड़छाड़ की है, उसके बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो
आरसी नंबर में छेड़खानी किया है जो अम्बेडकर नगर का उमाशंकर, इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ताबड़तोड़ करेंगे बोले, उसे बुलाएंगे बोले, तो अभी मैं देखूंगा शाम तक, तो मैं फिर से कल से आगे से उनसे पूछूंगा क्या जवाब है। तो जिन लोगों को अब तक राशन नहीं मिला उनका क्या होगा? हमने बैठ के बात करेंगे बोल रहे हैं, मैं भी आऊंगा उनको मिलने, उनको मिलूंगा मैं, फिर से आपको पूछूंगा कि मैं आके बात करना है तो क्या करने वाला है, बाकी लोगों को राशन देने वाला है कि नहीं देने वाला है, क्योंकि पैसे से राशन दे रहा है, फ्री का राशन नहीं दे रहा, तो पैसे का भी क्यों दे रहा है? तो कब तक कार्रवाई करने का इन्होंने कहा है? साहब ने तो बोला अभी बुलाएंगे उसे एक दो घंटे में, तो भी मैं देखता हूँ, मैं अगर दो घंटे में नहीं आया तो मैं आके फिर से इनको मिलकर मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। यही हमारे साथ और कुछ महिलाएं भी जुड़ी आई है, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना खान है, नारायण हम लोग 3 दिन से विजिट करते हैं, उनके बाजू में ही शॉप है, वहाँ पे डेली जा रहे हैं, क्या हम लोग का जो फ्री वाला राशन है वो दे दे, क्योंकि 3 दिन लास्ट डेट है, अभी तक मिला नहीं है, हम लोग डेली जा रहे हैं, वहाँ वही होते हैं क्या आप लोग के पास जाओ वो लोग बोलेंगे तो हम अभी ये लोग पूछे तो ये लोग क्या बोले, आप जाओ हम लोग कॉल करते हैं आप लोग को मिल जाए, अभी जाके देखेंगे, हम लोग बोले कि 3 तारीख को लास्ट है, आप लोग नहीं बोले कि जून को लास्ट हो जाएगा, तो हम लोग जून को तो फ्री का राशन चले जाएगा, तो हम लोग क्या करें, और नंबर मांगे तो नंबर भी नहीं देंगे, अभी यहाँ पे बोल रहे कि 15 जुलाई तक बंद रहेगा, हम लोग कहाँ जाए, तो अगर तो आपने सर से बोले कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं हो बोल रहे हैं तो वो देने को तैयारी नहीं होते, आप जाओ 2 दिन में मिलेगा, 3 तारीख को लास्ट है, हमारा फ्री का राशन चले जाएगा, ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।